करण जौहर इन दिनों अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की सफलता का आनंद ले रहे हैं, साथ ही वो कई वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ अक्सर उनकी जुबानी जंग होती है। करण पर अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, साथ ही करण को मूवी माफिया भी कहा जाता है। ये शब्द अक्सर कंगना के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में एक साक्षात्कार में करण ने खुद को मूवी माफिया कहे जाने पर खुलकर बात की और पिछले कुछ वर्षों में मिली नफरत को याद किया। साथ ही खुलासा किया कि इसका उनकी मां हीरू जौहर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। करण ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में मुझे लगा कि मेरे रास्ते में बहुत अधिक नफरत आ रही है और इसका वास्तव में मेरी माँ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैंने उन्हें सचमुच उसके नीचे ढहते हुए देखा क्योंकि वो टीवी चैनल देखती हैं। वो ऑनलाइन भी मेरे बारे में नकारात्मक समाचार पढ़ रही थी। वो टीवी एंकर्स को चीखते चिल्लाते और किसी वजह से मुझे राक्षस बनाते हुए देख रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐसे भी लोग थे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा ही लिख रहे थे। फिल्म निर्माता ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि उस समय मुझे केवल मजबूत बने रहना पड़ा क्योंकि मुझे अपनी माँ और अपने लिए मजबूत बनना था। जब लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे तब मैं सोच रहा था कि अब तो सब ने मेरे कपड़े उतार ही दिए हैं, अभी क्या छुपाना, किससे लड़ना। वैसे भी हर किसी ने आपके जीवन में किसी तरह का तूफान ला दिया है, धारणाएं बना ली है। वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, उन्होंने बस माफिया या ऐसी किसी चीज के बारे में ये धारणा बना ली है जिसके बारे में बात करते रहते हैं। वे नहीं जानते कि कैसे एक निर्माता दैनिक आधार पर अपनी कास्ट पाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कंगना रनौत ने एक वीडियो शेयर करते हुए करण जौहर को मूवी माफिया करार दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने करण को ही सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उनका बॉयकॉट कर दिया था। कंगना ने करण पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे मियो वुल्फ को जाते जाते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।